हेलो एवरीवन, आई एम रिंकू श्रीवास्तव फ्रॉम मौन कला क्रिएशंस। आज मैं अपने इस वीडियो में आप लोगों को सिखाऊंगी किस तरीके से ये क्रैकल इफेक्ट दिए जाते हैं विदाउट एनी क्रैकल मीडियम, और उस पर किस तरीके से हम वर्ली पेंटिंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 3D आउटलाइनर कोन। इसके लिए मैंने सिंपल सा वुडन पीस लिया हुआ है। आपके पास कोई भी वेस्ट वुडन पीस हो सकता है, आप उस पर कर सकते हैं या आप इसे कैनवस पे भी कर सकते हैं। मैं यहाँ वर्ली का इफेक्ट देने के लिए, वर्ली का सीन क्रिएट करने के लिए मैंने जो एक सर्कल बनाया है उसके अंदर मैं येलो कलर कर रही हूँ। क्रोम येलो है ये, और इसमें क्योंकि मुझे अंदर वर्ली के फिगर दिखाने हैं, एक सीन दिखाना है, तो इसलिए मैं इस तरीके से कर रही हूँ। आप अपनी पसंद से कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। इससे थोड़ा सा हाईलाइट हो जाती है हमारी पेंटिंग और बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। बैकग्राउंड में हमारे क्रैकल दिखेंगे और उसके बाद हमारा ये कलर के ऊपर हम जब वर्ली फिगर करेंगे तो वो और भी खूबसूरत लगेंगे। आप इस पे वर्ली के अलावा क्रैकल इफेक्ट के संग डार्क पेज भी कर सकते हैं। यहाँ इस वीडियो में मैं आपको वर्ली फिगर के साथ क्रैकल इफेक्ट दिखाऊंगी, तो आप पहले देखिए इसमें किस तरीके से मैं एक बैकग्राउंड क्रिएट कर रही हूँ एक अपना वर्ली के फिगर का सीन बनाने के लिए। वर्ली पेंटिंग जो होती है वो महाराष्ट्र की पेंटिंग है, फोक आर्ट है ये। महाराष्ट्र में आप लोग देखेंगे वहाँ पर रूरल एरियाज़ में, गांव के एरियाज़ में ये पेंटिंग की जाती है, और ये ज़्यादातर दीवारों पर और गेरू रंग के कलर से की जाती है। गेरू रंग जो ब्राउन आपने देखा होगा, अर्थन कलर्स जो होते हैं उनके ऊपर वाइट से की जाती है, और या वाइट के ऊपर ब्लैक से भी की जाती है। लेकिन आजकल इसमें बहुत सारे वेरिएशंस हैं, बहुत सारे आप अपने इनोवेशन कर करके उस पेंटिंग को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। यहाँ मैं भी एक नई टेक्निक इसीलिए लेके आई हूँ कि आप क्रैकल के साथ किस तरीके से कर सकें। ये देखिए एक दूसरा मेरा वुडन प्लैंक है जिस पर मैंने येलो कलर किया हुआ है, और अब मैं इसे फेवी गम की मदद से आपको क्रैकल इफेक्ट करके दिखाऊंगी। बहुत इजी है, इससे कोई आपको क्रैकल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। सिंपल, आपके सबके घरों में फेवी गम होती है, पेपर चिपकाने वाली गम होती है नॉर्मल गम, आप उसको लेके इस पर अप्लाई कर देंगे और आप इसकी जगह फेविकॉल का भी इस्तेमाल करके क्रैकल इफेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको फेवी गम से दिखा रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में किसी में मैं आपको फेविकॉल से भी दिखा दूँगी। तो आपके पास अगर फेविकॉल है तो आप फेविकॉल से कर सकते हैं। यहाँ पहले मैं आपको फेविगम से दिखा रही हूँ, बहुत इजी टेक्निक है। तो आप देखिए हमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में फेविगम लेनी है, और अपने कलर किए हुए बेस के ऊपर हमें, ये ज़रूरी नहीं है, मैंने नीचे जो हल्का सा रेड किया वो मेरे पास पड़ा हुआ था, मैंने इसीलिए उस पर ही करके दिखा रही हूँ। पूरा आप एक सा कलर येलो ले लेंगे, आप दो कलर दे सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी हो। आपको बस अच्छे से इवनली स्प्रेड करना है अपना फेविगम। ब्रश की सहायता से कर लीजिए, अच्छे से ब्रश में फेविगम भर लीजिए और उसको पूरे पे लगा दीजिए। सब तरफ लगाना है, कहीं पे भी छोड़ना नहीं है। अगर हमें, और हमें जिस भी डायरेक्शन के स्ट्रोक्स देने हैं, जैसे अगर मैं इस तरीके, आपको हॉरिजेंटल देने हैं तो आपको हॉरिजेंटल ब्रश चलाना है, आपको वर्टिकल देने हैं तो आपको वर्टिकल स्टाइल में अपना ब्रश चलाना है, आपको जिगजैग करना है तो आप जिगजैग स्टाइल में अपने ब्रश को चला सकते हैं। ओके, यहाँ मेरे प्लैंक जिस तरीके का है रेक्टेंगल, तो मैं उसी डायरेक्शन में इसके स्ट्रोक्स दे रही हूँ क्योंकि मुझे उसी तरीके के स्ट्रोक्स चाहिए। जैसा आपका ग्लू का आप स्ट्रोक देंगे उसी तरीके के आपके क्रैकल इफेक्ट्स आएंगे उसमें। अगर आप सर्कुलर देंगे तो आपके क्रैकल सर्कुलर इफेक्ट में आएंगे। फिर आपको कलर भी उसी टेक्निक से करना होगा जिस टेक्निक से आपने ग्लू किया। ये मैं सूखने नहीं दूंगी, आप देख सकते हैं मैंने अच्छे अमाउंट में इसकी कोटिंग करी हुई है ग्लू की, देखिए शाइन कर रहा है ये। तो इसके बाद अब मैं इसे बिना ड्राई हुए, यानी कि ड्राई नहीं होने देना है, उससे पहले ही अपना कलर ले रही हूँ और कलर लेके इसके ऊपर अप्लाई करूँगी। अब कलर मैंने यहाँ पर एक्रेलिक कलर लिया है, रेड कलर का एक्रेलिक कलर लिया है, क्योंकि मैंने येलो पहले बेस में किया था और फिर ब्लैक सामने आपको दिख रहा है वो किया हुआ था, और अब जो मैं कर रही हूँ येलो बेस में लेकर उसके ऊपर रेड से कर रही हूँ। तो आप कलर कॉम्बिनेशन अपनी पसंद से कोई भी ले सकते हैं। आपका कलर बहुत ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए, आपको स्ट्रोक्स जिस डायरेक्शन में आपने ग्लू की थी उसी डायरेक्शन में कलर के भी स्ट्रोक्स लेने हैं। ये देखिए
और पूरा उसको घिस घिस के यानी कि उसके अंदर तक जाकर आपको नहीं करना है, क्योंकि आपने कोटिंग ग्लू की हुई है, तो आपको इस तरीके से अपना ब्रश चलाना है कि आपका ग्लू के ऊपर ऊपर ही कलर रहे, चाहे भले ही बीच बीच में छूट जाए। तो क्रैकल इफेक्ट देना है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अच्छा ही आएगा, लेकिन उसे अच्छे से दबा कर नहीं देना है। इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा, अदरवाइज आपके स्ट्रोक्स नहीं आएंगे। आपको अपने कलर को बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना है आपका कलर, ठीक है। तो आपको बस इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ हल्के हाथों से ग्लू के ऊपर करना है। आप देखिए पूरे पे इस तरह से करें, अगर बीच बीच में छूट भी जाए कोई दिक्कत नहीं है, क्रैकल इफेक्ट उसके कारण भी बहुत अच्छा आएगा। जैसे जैसे हमारा ये ग्लू सूखती जाएगी, हमने ऊपर जो कलर किया हुआ है, जैसे जैसे आप देखेंगे कि हमारी ये ग्लू सूखती जाएगी वो चटकती जाएगी, तो उसमें अपने आप क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे और बहुत ही खूबसूरत सा क्रैकल इफेक्ट वाला पैटर्न तैयार हो जाएगा। बस इसको करते में जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि आपको ब्रश कलर का, जब आप कलर ब्रश में ले रहे हैं तो वो बहुत हल्के हाथ से चलाना है। सारी साइड कर दीजिएगा, चारों तरफ कर दीजिएगा। अभी मैं आपको सिर्फ ऊपर ऊपर करके दिखा रही हूँ, जो आपको साइड वाला दिख रहा है आप उधर भी बेस कलर कर सकते हैं, क्रैकल इफेक्ट करने की उसमें ज़रूरत नहीं है। अब इस वाले में मैंने टेक्सचर किया हुआ है, मैं इस टेक्सचर के ऊपर आपको वर्ली करके दिखाऊंगी। ये जो टेक्सचर है मैंने क्ले से किया है, क्ले मीन्स टेक्सचर पेस्ट बना के, वो मैं आपको उसका भी ट्यूटोरियल डाल दूंगी कि किस तरीके से हम अपना टेक्सचर पेस्ट बनाएंगे जिससे हम वुडन प्लैंक पे या अपनी किसी भी पेंटिंग में टेक्सचर दे सकते हैं। तो देखिए जैसे जैसे सूख रहा है, अभी तो हल्का हल्का स्टार्ट ही हुआ है क्योंकि फैन चल रहा है, गर्मी के दिन है तो बहुत जल्दी ड्राई हो जा रहा है, तो आपको इसमें क्रैक्स दिख रहे होंगे, अभी से ही दिखने शुरू हो गए, और थोड़ा सा टाइम रुकेंगे तो बहुत ज़्यादा क्रैक्स आपके दिखने लगेंगे इसमें, है ना। मैं बिना ब्लोअर वगैरह के किया हुआ है, देखिए अपने आप मेरे क्रैक्स इसमें क्योंकि सूख गया इसलिए इसके क्रैक्स आपको बहुत अच्छे से दिख रहे हैं। ये भी मैंने फेविगम से ही किया हुआ है, आप कोई भी कलर कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप नीचे लाइट कलर लें और ऊपर डार्क कलर लें, आप नीचे डार्क कलर भी ले सकते हैं, ऊपर लाइट भी ले सकते हैं, लेकिन लगाना फेविगम ही है, क्योंकि फेविगम का रिजल्ट मैंने देखा है बहुत अच्छा है। कोई महंगे आपको क्रैकल पेस्ट या क्रैकल मीडियम इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल फेविगम या फेविकॉल से भी ये सीन क्रिएट कर सकते हैं। आप इसको बॉटल पे कर सकते हैं, मैं यहाँ वुडन इस पे कर रही हूँ, आप इसका नेम प्लेट बना सकते हैं, आप की होल्डर बना सकते हैं। क्रैक्स का कलर कॉम्बिनेशन देखिए कितना प्यारा है, आपको बस वही चीज़ ध्यान रखनी है। आप अगर दो डार्क कलर एक जैसे ले लेंगे तो आपके क्रैक्स नहीं दिखेंगे, है ना। जैसे आपने मान लीजिए रेड और ऑरेंज लिया तो थोड़ा बहुत दिखेगा यहाँ, इसलिए अगर हमें क्रैक्स दिखाने हैं बहुत अच्छे से तो हमें एक लाइट कलर और एक डार्क कलर लेना होगा। आप अपनी पसंद के कोई भी कलर ले सकते हैं, आप वाइट बेस करके उसके ऊपर भी ब्लैक का कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा आएगा। बहुत सस्ती आती है फेविगम, तो आपके सबके घरों में बच्चों को क्राफ्ट करने के लिए आप लोगों के पास ये होती ही है, तो आप इसी से ट्राई करिए, आराम से आप फेविगम से कर सकते हैं। कोई भी कंपनी की सिंपल ग्लू होगी इस तरीके की ट्रांसपेरेंट, आप उससे कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका ये प्लैंक सूखता जाएगा वैसे वैसे इसके क्रैकल इफेक्ट बहुत अच्छे निकल के आते रहेंगे। अब मैं इसके सूखने का इंतजार कर रही हूँ और उसके बाद हाँ आप देखिए कोई इम्प्योरिटीज ऊपर से ना आ जाए, जैसे इसमें एक डस्ट पार्टिकल गिर गया था मेरे बगल में ही, मेरे पॉट में से कुछ निकल के गिर गया था जो मैं दिखा रही थी आपको, तो उस चीज़ का ध्यान रखिए। अब हम यहाँ पर वर्ली सीन क्रिएट करेंगे, तो इसके लिए मैं लिक्विड एम्ब्रॉयडरी का कोन ले रही हूँ, आप वाइट कलर का कोन लेंगे उससे आउटलाइन कर दीजिए, सिंपल बहुत इजी मेथड है इस तरीके से वर्ली करने का। आप देख सकते हैं मेरे वुडन पीस, ये बिल्कुल वेस्ट वुडन पीस था, इसमें आपको आड़ी लाइन दिख रही होगी जो कट लगा हुआ है मेरे, मैंने इसको फिल नहीं किया क्योंकि मुझे इसमें क्रैकल इफेक्ट दिखाना था, तो मुझे इसको फिल करने की ज़रूरत नहीं, और मैंने क्रैकल इफेक्ट दिखाने के बाद अब मैं वर्ली का सीन क्रिएट कर रही हूँ, तो भी इस लाइन की कोई
से कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि मैं इसमें डिवीज़न कर दूंगी, नीचे मैं स्टोन्स दिखा दूंगी, पत्थर पड़े हुए ज़मीन पर, और ऊपर हमारा लैंड एरिया, ऊपर हमारा फिगर्स वगैरह आ जाएंगे, तो वो नीचे लैंड दिखेगी तो बहुत खूबसूरत लगेगा। आप देखिए इस तरीके से, आप किसी भी चीज़ को वेस्ट मत समझिए कि आपके पास कुछ पड़ा है तो वो वेस्ट है या उसमें कट लगा है या टूटा हुआ है। अगर आप क्रिएटिव हैं तो आप उससे भी बहुत कुछ कर सकते हैं, और इतना खूबसूरत आर्टिकल बन के निकलेगा कि आप भी कहेंगे कि वाकई में ये वेस्ट पीस को मैंने कितना अच्छा बना दिया। तो आप लोग भी इससे आइडिया लेकर अपने लिए बना सकते हैं। मैं स्टोन की सिंपल आउटलाइन इससे कर रही हूँ। आप ये काम ब्रश से भी कर सकते हैं, लेकिन लिक्विड एम्ब्रॉयडरी वाले कोन से करने में एक थोड़ा सा टेक्स्चर और 3D इफेक्ट जैसा लुक भी आ जाता है और काम आसान भी हो जाता है। अब मैं सिंपल एक्रेलिक कलर लिया है मैंने वाइट, जो मैं ब्रश से जो मैंने आउटलाइन की थी उसके अंदर फिल कर दे रही हूँ, यानी कि मेरे स्टोन्स फिल। आप स्टोन्स के अंदर पैटर्न्स भी ड्रॉ कर सकते हैं कोन से ही, लेकिन मुझे इस तरीके से बहुत अच्छा लगता है। तो आप भी देखिएगा जैसे बन जाएगा तो ये बहुत खूबसूरत लगेगा और बहुत फटाफट बनने वाली आर्ट है। सबसे इजी फोक आर्ट वर्ली ही होती है। अगर इसके आपको फिगर्स समझ में आ गए कि किस तरीके से उनका पॉस्चर है, कैसे उन्हें बैठे हुए दिखाना है, क्योंकि जो वर्ली पेंटिंग होती है उसमें डेली रूटीन की लाइफ को ही दिखाया जाता है और गांव के सीन को ही ज़्यादातर दिखाया जाता है। कोई फेस्टिवल दिखाना है, कुछ सेलिब्रेशन दिखाना है, वेडिंग सीन दिखाना है। तो आप देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, मैंने नीचे स्टोन्स बना दिए हैं इस तरीके से, और बीच बीच में हमारे क्रैक्स भी दिख रहे हैं, तो बहुत प्यारा इफेक्ट आ रहा है। और वाइट, जब भी कोई डार्क बेस पे हम वाइट से वर्ली करते हैं तो बहुत खूबसूरत निकल के आता है। तो अब मैं यहाँ पर अपने लिक्विड एम्ब्रॉयडरी वाले वाइट कलर के कोन से ही डायरेक्ट ड्रॉ करूँगी। आप चाहें तो पहले पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हैं और उसके बाद उसको लाइनर से या ब्रश से कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट लाइनर से कर रही हूँ, फ्री हैंड करना मुझे बहुत पसंद है। वैसे भी फोक आर्ट जितनी भी होती हैं आप कोशिश करिए कि उन्हें फ्री हैंड ही करिए। आप देखिए इस तरीके से मैंने इसमें किया हुआ एक हैंडमेड कैनवस था, इसका भी ट्यूटोरियल के लिंक में डाल दूंगी कि किस तरीके से आप हैंडमेड कैनवस बनाएंगे। मैंने हैंडमेड कैनवस बनाया था, इस पर मैंने कोन लाइनर से ही पूरा ड्रॉ किया हुआ फ्री हैंड। सिंपल मैं कोकोनट ट्री ड्रॉ कर रही हूँ मैं, और इसमें मैं ब्रश का इस्तेमाल नहीं करूँगी। इस पेंटिंग को करने में सिर्फ मैं फिलिंग के लिए ब्रश का इस्तेमाल करूँगी, सारा कुछ ड्रॉ मैं कोन लाइनर से ही कर रही हूँ। बहुत ही इजी टेक्निक है ये और बहुत अच्छे आते हैं ये कोन लाइनर। आप वैसे तो किसी भी कंपनी के ले सकते हैं, लेकिन मुझे पिडलाइट के बहुत पसंद है, तो मैं ये फेविक्रिल वाले लिक्विड एम्ब्रॉयडरी के कोन यूज़ करती हूँ। सिंपल मैं लीफ बना रही हूँ। इसमें लीफ बनाते में देखिए क्रैक्स देखिए कितने अच्छे निकल के आते जा रहे हैं, जैसे जैसे मैं दूसरी पेंटिंग कर रही हूँ अपनी, और ये सूखती जा रही है। बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन लग रहा है ये। आप अपना काम करते समय, क्योंकि छोटा है, आप अपने हाथ पेंटिंग को घुमा सकते हैं, अपने प्लैंक को, वुडन प्लैंक को घुमा घुमा के काम कर दिए, ताकि आपके हाथ से आपने जो नीचे किया हुआ है वो खराब ना हो जाए। आपको इसमें लीफ का डायरेक्शन इस तरीके से करना है कि देखिए जैसे मैंने जिस साइड से बैंड की हुई लीफ है उसके लीफ की पेटल्स वगैरह में उसी डायरेक्शन में कर रही हूँ, उसको ऑड नहीं लगना चाहिए, यानी कि वो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने ये जिस डायरेक्शन में नीचे की और किया डाउनवर्ड किया है तो वो आप अपवर्ड करते हैं ना, वो चीज़ ध्यान रखना। अगर डाउनवर्ड आपने ड्रॉ करी है तो वो डाउनवर्ड ही उसके वो होंगे। ओके, अब आप इसमें कोकोनट दिखाना चाहते हैं, कोकोनट दिखा दीजिए। बीच बीच में मैं स्ट्रोक्स दे रही हूँ इस तरीके से ताकि मेरा स्टेम बहुत अच्छा सा निकले। अब मैं साइड में दूसरा ट्री भी बनाऊंगी, वो थोड़ा सा छोटा बनाऊंगी। आपको इसकी टिप को भी साफ करते रहना पड़ेगा। आप देखिए अगर आपकी ये ट्रिक ड्राई हो जाती है तो ये, क्योंकि एक्रेलिक कलर जो होते हैं इनमें थोड़ा सा प्लास्टिक कंटेंट्स होते हैं, तो क्या होता है कि वो ड्राई होने के बाद रबड़ की तरह से खिंच जाता है। तो आपको अपने इस लाइनर को यूज़ करते समय ध्यान रखना है कि करने के बाद इसे खुला नहीं छोड़ देना है, आपको इसकी कैप लगा कर इसे बंद करना है। अगर आप इसे बंद करके रखेंगे तो बहुत लंबे समय तक बहुत अच्छा चलेगा आपको। आपका जितना बड़ा प्लैंक हो आप उतना बड़ा सीन क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा छोटा सा ही है ये,
बहुत छोटा सा है, ये 6x6 का है, तो मैं इस पर छोटा सा ही सीन क्रिएट कर रही हूँ। लेकिन आप छोटा करें या बड़ा करें, उसमें आपको जो भी आप सीन बनाना चाह रहे हैं वो प्रॉपर दिखने चाहिए। अब यहाँ पे मैंने देखिए क्लाउड क्लिक कर दिया और मैं इसे भी अंदर फिल कर दूंगी ब्रश से। मैं सिर्फ आउटलाइन इससे कर रही हूँ, जहाँ फिलिंग का काम है वो मैं ब्रश से कर रही हूँ। आप 2-3 जितने मर्जी आपको क्लाउड करने आप कर दीजिए। आप बर्ड उड़ते हुए दिखाना चाहते हैं, आप बर्ड दिखा दीजिए उड़ते हुए। अब जो मैंने येलो सर्कल किया है मैं उसकी आउटलाइन कर रही हूँ और उसके अंदर मैं डलिया बुनते हुए लेडी फिगर बनाऊंगी। तो आप देखिएगा कैसे बना रही हूँ, सिंपल आउटलाइन कर दी मैंने और अब मैं फिगर, आप यहाँ पे जो मैं अंदर ये फिगर बना रही हूँ मैं अभी वाइट से बना रही हूँ, आप ब्लैक से भी बना सकते हैं। तो वर्ली फिगर आपको पता है ट्रायंगल शेप में बनते हैं और एक्स से बनाने पे बहुत इजी तरीका हो जाता है बनने का, बहुत खूबसूरत लग रहा है आप देख सकते हैं। और मुझे उम्मीद है आप लोग देखेंगे तो आप भी बनाना चाहेंगे ये, है ना। हम लोग पहले वर्ली फिगर बनाते समय अगर आप धड़ बनाएंगे तो वो पोर्शन, बॉडी का पोर्शन तो ज़्यादा अच्छे से आपका प्रोपोर्शन सेट होता है। आप अब ऊपर हेड पोर्शन बना लीजिए, फिर हाथ और पैर बना लीजिए, आपको जिस डायरेक्शन में चलते हुए करना है वो सब आप बना सकते हैं आराम से। यहाँ मैं डलिया बनाते हुए बनाना चाह रही हूँ। तो इसके लिए मुझे ध्यान में रखना होता है कि ये बैठे हुए पोस्चर बनाना है तो पैर कैसे बना रहे हैं। तो ये मैंने डलिया बना दी। ये मैंने अपने पेज पर लाइव करते हुए दिखाया था, तो मैंने सोचा इस वीडियो को आप लोग को भी सबको दिखाऊं, अपने यूट्यूब के फॉलोअर्स को भी, ताकि आप लोग भी देख के, कभी भी होता क्या है कि जब हम फेसबुक पर लाइव ले रहे होते हैं तो वो वीडियोस डेली के लाइव सेशंस या कुछ ना कुछ चलता है तो वो वीडियोस नीचे चले जाते हैं और उसमें बहुत सारे लोगों के कमेंट पढ़ पढ़ के उनको भी रिप्लाई देना होता है, तो वो बहुत लेंथी भी हो जाता है और बहुत सारी ऐसी बातें जो हमें अपने वीडियोज़ में अपनी इस वाली काम से रिलेटेड आप लोगों को नहीं, क्योंकि फिर हम उसी को यूट्यूब पर डालेंगे तो क्या होता है ना कि आप लोग को नहीं पता होता कि मैं किससे बात कर रही हूँ, है ना। तो वो लोग दिखाई नहीं देते ना, उनके कमेंट देखते तो वो थोड़ा सा अजीब लगता है। इसीलिए मैं अपने यूट्यूब के वीडियोज़ को और फेसबुक के लाइव वीडियोज़ को यूट्यूब के लिए जब करती हूँ तो उन्हें डाउनलोड कर लेती हूँ और उसके बाद उसमें दोबारा से आप लोगों के लिए जो भी बात आपको इसमें मुझे बतानी ज़रूरी है वो मैं इसमें रिकॉर्ड करती हूँ। तो एक्सपेरिमेंट्स हैं, देखते हैं कैसा है, अच्छा लगता है, क्योंकि पूरा लाइव जब दिखा रही हूँ तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी पूरा प्रॉपर लाइव देखना चाहिए, समझ में आना चाहिए। अगर आप किसी चीज़ को सीख रहे हैं तो वो प्रॉपर तरीके से आपको आनी चाहिए, है ना, आपको उसमें मुझे समझाना भी चाहिए। तो इसीलिए मैं इस प्रोसेस को फॉलो कर रही हूँ इस वीडियो में। अगर आप लोगों को अच्छा लगे ये टेक्निक तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे, इसमें मैं बहुत सारी नई नई आर्ट फॉर्म लेके आ रही हूँ, और क्योंकि आप मेरे पेज पर देखोगे तो उस पर तो मैं बहुत सारा काम करती ही हूँ आर्ट का, जिसमें मैं बहुत सारे नए नए एक्सपेरिमेंट्स करती हूँ आर्ट के साथ और आप लोगों के संग शेयर भी करती हूँ फेसबुक पर। तो वही चीज़ें अब मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब पर भी लेके आ रही हूँ। तो आप लोग को अगर मेरे चाहते हैं कि ये मैं आगे भी इसी तरह लेके आती रहूँ तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, और कमेंट करके भी आप जो कुछ और भी नया चाहते हैं सीखना तो वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या आपको ये कैसा लगा, इसकी टेक्निक कैसी लगी, आपने ट्राई किया कि नहीं किया, तो आपने ट्राई किया तो आपका रिज़ल्ट कैसा रहा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँगे। देखिए बहुत छोटी सी पेंटिंग है, बहुत खूबसूरत सी निकल आई। एक सीन मैंने एक डॉगी बना दिया और डलिया बुनते हुए बना दिया और एक चिड़िया उड़ते हुए बना दी, है ना। अब मैं ऐसे ही इस पर भी करूँगी, जब इस पर करूँगी तब आप लोगों को वो भी शेयर करूँगी आप लोगों के संग। फिलहाल आप इसका क्रैकल इफेक्ट देख लीजिए, क्योंकि जब ये गीला होता है तब इस पर कोई काम नहीं कर सकते।
सूखने के बाद ही, क्योंकि जैसे मेरा ब्लैक एंड येलो वाला सूख गया था तो मैंने उस पर किया है, आप भी सूखने के बाद ही करें। ये भी मेरा टेक्सचर का काम था जो सूख गया है, तो अब मैं आपको टेक्सचर वाले पे भी करके दिखाऊंगी वाली पेंटिंग। वीडियो लेंथी जरूर हो रहा है, लेकिन आपको एक ही वीडियो में तीन चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। एक तो इस तरीके से टेक्सचर पे किस तरह से काम कर सकते हैं वो, क्योंकि वाली पेंटिंग टेक्सचर के ऊपर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो वो मैं आपको यहाँ समझाना चाह रही हूँ कि आप लिक्विड एम्ब्रॉयडरी वाले कोन से ही कर सकते हैं बहुत आसानी से। ये 20-25 रुपए का आता है, आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप पे आराम से मिल जाएगा। इसमें मैं एक बैलगाड़ी टाइप का, बैल पूरा नहीं दिखाऊंगी, लेकिन एक कार्ट जैसा है जो कि एक आदमी खींच रहा है, उस तरीके का सीन बताऊंगी। ये भी गांव के सीन्स में बहुत फेमस सीन है, तो इस तरीके का मैं बनाकर दिखाना चाहूँगी। देखिए टेक्सचर के ऊपर ब्रश चलाने में भी थोड़ी सी दिक्कत होगी और कोन चलाने में भी, तो आपको यहाँ मैं ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इससे करने में थोड़ा सा काम इजी और जल्दी हो जाता है। टेक्सचर के ऊपर भी ये बहुत अच्छा लगने वाला है। मैंने यहाँ टेक्सचर पेस्ट बनाया है, टेक्सचर पेस्ट मैंने मार्बल पाउडर और फेविकॉल को मिलाकर बनाया है। आप कोई भी पाउडर के संग मिला से बना सकते हैं, चाहे आप चॉक पाउडर से बनाएं, चाहे आप सिंपल टेलकम पाउडर से बनाएं, आपको उसमें बस फेविकॉल मिलाना है और इडली के बैटर जैसा पेस्ट बना लेना है। उसके बाद उस पेस्ट को आपको अपने वुडन प्लैंक पे अप्लाई करना है, और मैंने सिंपल फिंगर से इसमें टेक्सचर दिया है। मैं टेक्सचर का अलग से वीडियो डाल दूंगी, तब आप लोग देख सकते हैं। अगर आप वेरियस टाइप के टेक्सचर्स भी सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसके लिए भी आप लोगों को ट्यूटोरियल बनाकर यूट्यूब पे डाल दूंगी। इसकी फिगर को भी मैं अंदर से इस तरह कलर कर दे रही हूँ, और आप इनके ऊपर वार्निश भी कर सकते हैं। इसके बाद जब ये सूख जाएगा तब आप इसमें वार्निश कर सकते हैं, और आपका बहुत ही खूबसूरत सा शाइनिंग करने वाला, आप इसे गीले कपड़े से साफ भी कर सकते हैं अगर वार्निश कर देंगे तो। कुछ मेरे में जगह और बची है तो मैं कुछ और फिगर्स बना रही हूँ यहाँ पर। आप इस छोटे से पीस को भी ऐसे भी सजा सकते हैं, आप इसे की होल्डर बनाना चाहें की होल्डर बना लीजिए, आप इसके नीचे दूसरा एक इसी तरीके का प्लैंक बनाकर तैयार कर लें और उसको उस पर नाम लिख दें तो आपका नेम प्लेट बन जाएगा, या आप इन तीनों को अरेंज कर लें, इन तीनों को बना लें तो आपका एक वॉल हैंगिंग तैयार हो जाएगा। तो बहुत सारे आइडियाज़ हैं जो आप कर सकते हैं इस तरीके से। वर्ली आर्ट बहुत ही खूबसूरत सी आर्ट है, बहुत प्यारी आर्ट है और बहुत ही जल्दी बनने वाली आर्ट है। आप डिपेंड करता है आप उसमें कितना काम करना चाह रहे हैं, आप बहुत सारा करना चाह रहे हैं तो नो डाउट आपको टाइम लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी नहीं कर सकता। आप बच्चों को भी देंगे तो वो भी आराम से इस आर्ट को कर पाएंगे। मैं जब क्लास लेती हूँ उसमें मेरे छोटे बच्चे जितने भी थे वो बहुत इन्जॉय किया था। इवन मैंने जब वर्ली की क्लास ली थी तो उसमें कई बैचेस निकल गए हैं मेरे, तो उसमें जब बच्चे करते हैं तो उनको तो सिर्फ गाइड करना होता है कि आप एक सीन क्रिएट करो। आप यकीन नहीं मानेंगे कि जब मैंने एक सीन करवाया था उनको, उनको एक लाइन से लोगों को चलने के लिए बोला था कि आप इनमें फिगर्स अपने मन से, मैंने उन्हें फिगर बनाना सिखाया और बोला कि आप इसमें अपने आप लाइन से लोगों को चलते हुए दिखाओ कि वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो जब एक दो बच्चे स्टार्ट हुए अपने सीन क्रिएट करने में, उनकी इमेजिन शक्ति आप देखिए, तो उस दिन था योगा डे, पिछले साल की बात है, तो बच्चों ने, मैंने बोला था कि कुछ योगा का भी अगर कर सको तो, मतलब इतना अच्छा उन्होंने ड्रॉ किया था। आप सोचो वर्ली में उन्होंने योगा के पोस्चर बनाए थे और उनको जिमनास्टिक, एक बच्चे ने जिमनास्टिक करते उल्टा पैर नीचे, वो पैर नीचे सिर नीचे और ऊपर हाथ, बहुत अलग अलग तरीके से हाथ नीचे पैर ऊपर लेटे हुए टेढ़ा हुआ अलग अलग पोस्चर में उन्होंने वर्ली की फिगर बनाई थी, तो दिल खुश हो गया था। तो इसीलिए मैं कहूँगी कि आपके साथ जो बच्चे रहते हैं, आपके जो बच्चे हैं, आप उन लोगों को कुछ दीजिए करने के लिए, कुछ ना कुछ कहिए, आप उनको बस एक थीम दे दीजिए और वो खुद देखिए कितना अच्छा करेंगे। थोड़ा सा गाइड कर दीजिए कि किस तरीके से करना है बस, और फिर आप
ताज्जुब करेंगे कि बच्चे कितना अच्छा करते हैं, उनकी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अच्छी होती है और बच्चे जो होते हैं बहुत जल्दी किसी चीज़ को कैच करते हैं और बहुत ही अपनी कल्पना, उनकी एक अलग ही दुनिया होती है, तो वो अपनी इमेजिन शक्ति से बहुत अच्छे सीन क्रिएट कर सकते हैं। अभी जो मेरी क्लास चल रही है उसमें भी मैंने सब लोगों को टास्क के रूप में दिया हुआ है कि आप कुछ ऐसा करिए जो वर्ली में अब तक नहीं हुआ है, क्योंकि मैं सिर्फ गाइड कर सकती हूँ, बहुत सारे आइडियाज़ दे सकती हूँ, है ना। अगर आप उस आर्ट में डूबना चाहते हैं, उस आर्ट को तरह तरह से करना चाहते हैं, तो आपका खुद का इनोवेशन होना चाहिए। मेरा हमेशा से मानना यही है कि आप कोई भी आर्ट फॉर्म्स कर रहे हैं तो आप उसे करिए, उसे सीखिए, किसी भी चीज़ पर सीखिए। जैसे वुडन पीस वेस्ट पड़ा होता, आप इस पर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको महंगे महंगे कैनवासेस की ज़रूरत हो, महंगे महंगे कलर्स की ज़रूरत हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप आराम से उसे किसी भी चीज़ पे कर सकते हैं, है ना। बस आपको उसके लिए पूरी लगन के संग करना होता है। देखिए, करते करते, बातें करते करते कितना अच्छा सीन निकल के आ रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है, कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है। छोटी छोटी चीज़ों से हम अपने घर को सजा सकते हैं, है ना। ज़रूरी नहीं है कि कुछ महंगी चीज़ हो, आपके पास बड़ी बॉटल हो ये ज़रूरी है, छोटी बॉटल भी हो तब भी आप काम कर सकते हैं, छोटे से कलर के से भी आप कर सकते हैं, है ना। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, छोटा सा पीस और बहुत ही प्यारा बन के आग निकल आया। टेक्सचर भी कितने अच्छे लग रहे हैं इसमें। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी इस तरीके से बनाएंगे और मेरे संग शेयर करेंगे, पिक्चर भी शेयर करेंगे और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएंगे कि आपको ये कैसा लगा। अगर मैं अपनी इस आर्ट से थोड़ा बहुत भी आप लोगों को इंस्पायर कर पा रही हूँ या आप लोगों को इस कठिन समय से बाहर निकलने में मदद कर पा रही हूँ, तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं किसी के काम आई। और प्लीज़ उम्मीद करूँगी आप लोग कमेंट करके मुझे यहाँ पर ज़रूर बताएंगे कि आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।